अच्छा यहां पे भाई आप साइड हो थोड़ा साइड हो जाओ पीछे वाला कैसे मान जाओ भाई भाई शूट करना है पीछे हो जाओ भाई सामने सामने शूट करना है सामने से लो सर रोज भी जा रहा है पीछे 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 अरे हाथ थोड़ा नीचे ऊपर है तुम फोन मत डालो शिव भाई इधर शिव आता इधर शिव इकडे या साइडला येतो येतो सर सच में रेडी होते समय सबसे पहला सवाल क्या था ना जल्दी में कुछ जाना है भाई सर आप लोगों ने काफी वक्त एक साथ बिताया बिग बॉस के घर पे हम देख रहे थे एज अ बिग ब्रदर एज अ स्मॉल ब्रदर काफी सारे टाइम आपने स्पेंड किए कल इनका बर्थडे क्या कुछ कहना चाहोगे मुझे मतलब जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कुछ पता नहीं पिछले जन्म का कोई रिश्ता है जैसे मैं बिग बॉस के घर में जिस दिन घुसा था वो टनल में से रात को 2:30 बजे तो 12-13 लोग ने हेलो बोला था और द फर्स्ट पर्सन जिसको मैंने देखा था वो शिव था और मैंने नोटिस किया था इसके आर्म्स इतने बड़े हैं बोला यार क्या आर्म्स है तेरे और देखो ऊपर वाला निमृत कैप्टन थी और हम दोनों को बेड शेयरिंग हो गया तो हम लोग की दोस्ती वहीं से हुई और मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़के का बहुत ब्राइट फ्यूचर है बहुत दिल का लड़का है और इसकी पॉपुलैरिटी डे बाई डे बढ़ते जा रही है बस आई जस्ट प्रे फॉर हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर माय हार्ट थैंक यू काफी लोग शिव के भी फैंस हो गए हैं या फिर आपके भी फैंस हो जाए काफी लोग की ये इच्छा है कि आप एज अ डायरेक्टर और वो एज अ हीरो नहीं नहीं प्लीज प्लीज बर्थडे पर व्हाई नॉट अभी जिस दिन स्क्रिप्ट दोस्ती और बिजनेस कहते कभी ये नहीं होना चाहिए ये जिस दिन मेरे को अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा व्हाई नॉट आई विल वर्क बट आपको क्या लगता है शिव के ऊपर कैसी स्क्रिप्ट फिट होगी क्योंकि काफी आई थिंक शाहरुख सर से काफी इंस्पायर आई थिंक अभी ये कर रहा है कुछ एक्टिंग क्लासेस अभी शुरू कर रहा है ये तो इट्स अ गुड थिंग फॉर हिम आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हैज़ अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर और मैं तो इसको बोलता हूँ तू अभी एक साल तक अभी और रियलिटी शोज कर माल छाप सर थोड़े खत्म हो गए मैं ढूंढ रहा हूँ मैं सर एक वो जवाब मैं देता हूँ सर के घर पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है और सिर्फ मूवी चलता है उसमें नहीं नहीं मैं देखता हूँ मैंने बिग बॉस भी नहीं देखा है आज अच्छी नहीं मैंने बिग बॉस भी नहीं देखा है अभी तक बट नहीं मेरे को कोई क्लिप्स विप्स मिलते तो मैं देख लेता मैं टीवी ज़्यादा देखता नहीं मैं फिल्में ही देखता हूँ सॉरी फिल्में कार्डियो करते करते भी फिल्में देखते हैं शिव भाई आपने आज अपना बर्थडे बहुत स्पेशल मनाया कुछ बच्चों के साथ उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कैसा रहा उनके साथ का यार मेरे लिए तो सच्ची में वो एक सर यहाँ ना सर अरे इट्स हिज बर्थडे इट्स हिज मोमेंट यार नहीं तो सर आप नहीं रहोगे तो क्या बर्थडे होगा आप कंप्लीट अच्छे से होगा ना सर सो वो दो मेरे लिए सच्ची में स्पेशल ये था कि पहले तो 2000 या 2500 कुछ बच्चे थे पूरे स्कूल कॉलेज के और छोटे छोटे बच्चे थे उनकी दो चोटियाँ और ऊपर मेरा फेस लगा था इतना क्यूट लग रहा था तो और मुझे सच्ची में मेरे लिए ये साल का वो सब जो उन्होंने किया था सरप्राइज वो मेरे लिए बहुत बड़ा था कि इतने बच्चे मेरा मास्क लगा के और बच्चों का कहते हैं ना कि ब्लेसिंग जल्दी लगता है और मेरे लिए प्रे कर रहे थे तो सच्ची में अच्छा लगा था साथ ही साजिद सर आपसे जानना चाहेंगे कल जवान रिलीज हुई है काफी दिनों बाद शाहरुख खान का ऐसा तरफ उनके साइड से कुछ देखने को मिला देसी मसाला मास्क अल्टीमेटली पिक्चर लोगों को अच्छी लगनी चाहिए लोगों को अच्छी लगती है मजा आता है पिक्चर से थिएटर से बाहर निकलते आप लोगों से पैसा वसूल है आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा होगा जिसने जवान देखी या पठान देखी या गदर देखी जो बाहर आके नहीं बोले कि पैसा वसूल लिया When we are going to see you as a director, sir? When, well, I'm directing now. It takes time, but yes, I'm directing. Sir, आप क्या तोहफा लेकर आए शिव के लिए? हाँ? खुद आए। नहीं नहीं, मैं इसको एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा बहुत जल्दी। इसके लिए मैं किताब खरीदूंगा किताब। सवाल मुझे ना थोड़े। इसके लिए किताब। मैरिज ब्यूरो की किताब। ये स्पेशल इसीलिए कि पहले के बर्थडे ना मैं सपने देख रहा था अभी पूरे होने के बाद मतलब आधे जो 2-3 सपने जो पूरे हो रहे विश लिस्ट जो पूरी हुई उसके बाद का मेरा पहला बर्थडे और मुझे नए नए दोस्त मिले नए नए लोग जो समझाने वाले साजिद सर हैं
और बाकी जितने लोग हैं इंडस्ट्री के जो सच्चे इंसान भी है, मतलब एक्टर और कलाकार के साथ साथ सच्चे इंसान भी, वो लोग मिले मुझे, तो ये बर्थडे सच्ची में स्पेशल है कि आपको जब आप सपना देखते हो महाराष्ट्र के बाहर के लोग भी जाने, फिर आपको इंडिया जानने लगता है, आप सब लोग प्यार करते हो और आप सबके साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा स्पेशल। जब मेरा तो फर्स्ट डे से ही था कि मेरे को तो दिल से मतलब चाहिए था कि शिव जीते, स्टैन जीते, अब्दू जीते, मंडली में से कोई भी जीते, हम लोग को ऐसा लगा था हम लोग जीत गए। और मंडली हम लोग ने वर्ड रखा भी नहीं था, पहले भी बोल चुका हूँ, ये अर्चना ने रखा था जो पॉपुलर हो गया वर्ड। एक्चुअली हम लोग रूम ऑफ सिक्स थे एंड वी वर ऑल आई थिंक डिसफंक्शनल इन आवर ओन वेज, बट वी वर टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर, वी हैड फन एंड वी वर ऑलवेज स्टैंडिंग विद ईच अदर। अच्छा अर्चना की बात आई, आई थिंक एज अ गेस्ट हम थोड़े 15-20 मिनट के लिए जा सकते हैं, एज अ गेस्ट जा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वापस रह सकते हैं। नहीं रहना ये रह सकता है, ये रह सकता है, मेरा तो वो अन्नदाता है मेरे, मतलब वो गॉड फादर है मेरे, इसने पूरा मतलब हर रीजनल लैंग्वेज में भी खत्म करेगा, जीतेगा। क्या बात, अरे ऑलमोस्ट जीत गया था, बट हम लोग को खुशी हुई स्टैन जीता, स्टैन भी अपना भाई है। बिग बॉस की बात आ रही है तो फिर अर्चना और प्रियंका के बीच में काफी विवाद हो रहे, कुछ नहीं हुआ यार, कुछ मतलब स्टेटमेंट चल रहा है, कोई कुछ कह रहा है बर्थडे के दिन हुआ। हाँ वो हमें भी थोड़ा पूरा पता नहीं, बट सर बट छोटी सी बात है पता है, वो मतलब एक तो वो अर्चना सच्ची में इमोशनल है थोड़ी, वो होता है ना कि पॉजिटिव फ्रेंडशिप, वो अलग जोन है उनका, 8-10 दिन में दोनों साथ में आ जाएंगे। अच्छा साथ ही साथ अंकित का भी उसमें स्टेटमेंट आया था कुछ, यार मुझे सच्चे में नहीं पता, मेरा बर्थडे ना मैं फोकस करूँ गिफ्ट पे, यू नो आई वॉच भी मिली मुझे गिफ्ट। अच्छा वॉच मिली, गणपति बप्पा, चलो थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, हमको बता कुठे जामो, इथे जामो, नजर न लग गया भाई, लगेगा कभी नजर अजय, राजा इधर भी चाहिए यार, थैंक यू।